हम उनसे सवाल करेंगे जो सत्ता में मौजूद है, हम उनसे सवाल करेंगे जिनके हाथ में शासन और प्रशासन है, हम उनसे सवाल करेंगे जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में पुलिस है, हम उनसे सवाल करेंगे जो सवालों से भागते हैं। हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप है बाखबर, सिर्फ आप देख रही है सत्य आज तक। क्योंकि मैं तो सबसे पहले पब्लिक को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि वो ऐसे निकम्मे और नालायक लोगों को चुन के लेके आते हैं जो कोई काम नहीं करते। भाई, हर साल मनपा महानगर पालिका करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी शहर की धजियां उड़ जाती है, शहर के कई इलाकों डूब जाते हैं, लगभग लोग वहां परेशान रहते हैं। देखो, जिस तरह से पानी भरा है और जिस तरह से लोग नमाज जाएंगे उसकी वजह से तो लोग नापाक हो जाएंगे और गंदा पानी उसमें बह रहा है। गटर का जो है, गटर सही है नहीं, गटर भरा हुआ है, गटर भरी हुई है जिसकी वजह से पानी पास नहीं हो पा रहा है और लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, उनके अंदर बहुत गम और गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन लोग मजबूर हो रहे हैं कि क्या किया जाए। क्योंकि मैं तो सबसे पहले पब्लिक को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि वो ऐसे निकम्मे और नालायक लोगों को चुन के लेके आते हैं जो कोई काम नहीं करते, और वो जीत के आने के बाद कोई फॉर्च्यूनर ले रहा है, कोई कार ले रहा है, कोई कारखाना बना दे रहा है, कोई फ्लैट बना ले रहा है। ये सब ऐसे निकम्मे लोग को जब जिता के लेके आओगे तो यही सब काम होगा। कॉरपोरेशन के अंदर पढ़े लिखे आदमी को लेके आओ, या तो मालूमात वाले को लेके आओ, या तो अपनी बात मनवाने वाले को लेके आओ, जिसकी वजह से काम होगा। इनको यही नहीं मालूम रहता है महासभा में क्या चल रहा है, क्या पास हो रहा है, क्या नहीं पास हो रहा है, उसका क्या जवाब देना चाहिए, जबकि महासभा में एक दिन पहले ही उसका एक दो दिन पहले रिपोर्ट मिल जाती है कि आप क्या क्या विषय पे बात होने वाली है। और ये चाहें तो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उस मुद्दे पे पहले से स्टडी करके जाएं और उसके ऊपर बयान दें, लेकिन उसके ऊपर चर्चा करें, उसके ऊपर बहस करें और अपनी बात मनवाएं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये मैं तो इसमें बहुत सी बात पब्लिक को भी जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जैसी पब्लिक रहती है वैसे ही उसके ऊपर जिम्मेदार भी मुसल्लत कर दिया जाता है।